वेलकम बैक टू माई चैनल। तो नीट 2024 के रिजल्ट, शॉकिंग रिजल्ट के बाद अब मेरे जो इनबॉक्स है उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आने लगे हैं और सब लोग पूछ रहे हैं कि बीएमएस क्या है, बीएमएस कॉलेजेस कितने हैं और बीएमएस से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बीएमएस क्या है, बीएमएस में कितना स्कोर लगता है, बीएमएस के लिए क्या क्या करना पड़ता है और इसके बारे में मुझे हमें जानकारी चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और क्योंकि मैं अभी घर पर छुट्टियों में आया हूँ इसलिए सेटअप वेटअप भी इतना खास नहीं है, तो मजबूरी में वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। और जो भी आज की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको सब आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने इसमें लिख चुका हूँ। थोड़ी छोटी मोटी सी रिसर्च है वो अभी, क्योंकि रिसर्च शुरू है और कट ऑफ वगैरह सब नहीं आए हैं और इतने सारे बच्चे, लगभग 90 करीब जो बच्चे हैं उन्होंने 720 के करीब मार्क्स हासिल किए हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है इस बार का। तो मतलब 625 नंबर अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं तो उसके लिए भी MBBS गवर्नमेंट मिलना मुश्किल बताया जा रहा है सोर्सेज के हिसाब से। तो इसी सिलसिले में मैं बीएमएस से रिलेटेड आज आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ कि बीएमएस कॉलेजेस कितने हैं और महाराष्ट्र में बीएमएस कॉलेजेस कितने हैं, हिंदुस्तान में बीएमएस कॉलेजेस कितने हैं और साथ ही साथ इनके क्या क्या कट ऑफ जा रहे हैं। तो आज हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे और उसमें सबसे ज्यादा हम महाराष्ट्र पर फोकस करने वाले, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं आज बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हम बीएमएस को एक हमारा करियर चूज कर रहे हैं तो बीएमएस क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बीएमएस के बारे में जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूट्यूब पर ढेरों वीडियोस बन जाएंगे, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमको जल्द से जल्द हमारी चीजें करनी है क्योंकि बच्चों का काउंसलिंग का टाइम भी बहुत करीब आ रहा है। तो बीएमएस क्या है कि बीएमएस का फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं कि बीएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको उर्दू में कामिल तिब व जराहत भी कहा जाता है। तो बीएमएस ये जो कोर्स है ये 4.5 साल का कोर्स होता है जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप को इंक्लूड किया जाए तो ये लगभग 5.5 साल का होता है। और ये जो है ये कोर्सेज आयुष में आते हैं, जिस तरीके से आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी और यूनानी, ये सब 4 कोर्सेज आपके आयुष काउंसलिंग के थ्रू आपको करना चाहिए। काउंसलिंग के हिसाब से आपको बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप बीएमएस को एक करियर ऑप्शन की तरह चूज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर बीएमएस कॉलेजेस कितनी हैं। तो सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया के अंदर 51 to 52 कॉलेजेस है जो कि बीएमएस की डिग्री को हमको देते हैं और इसमें बीएमएस पढ़ाया जाता है, जिसमें से 14 स्टेट्स के अंदर ये कॉलेजेस पाए जाते हैं, जिसके अंदर तो हिंदुस्तान के अंदर 14 स्टेट्स ऐसी है जिनके अंदर बीएमएस कॉलेजेस है, जिनमें से कुछ प्राइवेट है और कुछ गवर्नमेंट है। वो सब की जानकारी मैं भी आपको आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, केरला, MP, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, UP एंड वेस्ट बंगाल। ये 14 स्टेट्स ऐसी है जिनके अंदर आपको बीएमएस कॉलेजेस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इनमें कितनी गवर्नमेंट्स है और कितनी प्राइवेट्स है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिलता है और कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। उसके बाद बिहार में है 4 प्राइवेट कॉलेज, 1 गवर्नमेंट कॉलेज बिहार में। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर के अंदर है 2 प्राइवेट कॉलेज और 2 गवर्नमेंट कॉलेज। जो 2 गवर्नमेंट कॉलेज है वो श्रीनगर में है और प्राइवेट कॉलेज का पता नहीं। उसके बाद में बात करते हैं कर्नाटका का, कर्नाटका के अंदर 4 प्राइवेट कॉलेज है जिसके अंदर टीपू सुल्तान है, इनामदार है और लुकमान कॉलेजेस है, ये मशहूर कॉलेजेस है। और 2 गवर्नमेंट है, NIUM जिसमें से बहुत ज्यादा फेमस है। कर्नाटक की मैंने अभी आपको बताया जिसमें 4 प्राइवेट है और 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। उसके बाद केरल की बात करते हैं, केरल में 1 कॉलेज है वो भी प्राइवेट है और वो है मरकज, इसको मरकज के नाम से जाना, आप सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 3 प्राइवेट कॉलेज है, 1 गवर्नमेंट कॉलेज है और वो गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल में है। उसके बाद में महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र सेकेंड ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा कॉलेजेस है, जिसके अंदर 4 जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस है और 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र पर ज्यादा फोकस करने वाला हूँ क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र से हूँ और जितने भी बच्चों के मुझे मैसेजेस आए वो भी महाराष्ट्र से है और वो भी महाराष्ट्र में कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसी वीडियो में मैं महाराष्ट्र पर ज्यादा फोकस करने वाला हूँ और आगे आपको बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र की कौन कौन सी कॉलेजेस है,
कौन सी प्राइवेट है और कौन सी गवर्नमेंट है, और उनके कट ऑफ भी आपको आगे बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को वापस आगे बढ़ाते हैं, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के अंदर आपको एक प्राइवेट कॉलेज है जिसका नाम है रहबर, हाँ पंजाब के अंदर एक प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद राजस्थान में दो प्राइवेट कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है। राजस्थान में दो प्राइवेट कॉलेज है और एक गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद तेलंगाना में बात करते हैं, तेलंगाना में एक प्राइवेट कॉलेज है, दो गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद में है तमिलनाडु, तमिलनाडु में प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है और गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ एक है। उसके बाद उत्तराखंड में बात करते हैं, उत्तराखंड में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है और प्राइवेट कॉलेज एक है। उत्तराखंड में प्राइवेट कॉलेज एक है, गवर्नमेंट कॉलेज यहां पर नहीं है। उसके बाद करते हैं यूपी, यूपी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट बन जाती है हमारे बीएमएस के रिलेटेड, क्योंकि देखा जाए तो बीएमएस को जो परवान, बीएमएस जो परवान चढ़ रहा है वो भी यूपी की वजह से चढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी की वजह से चढ़ रहा है, लेकिन बीएमएस यूपी जो है, यूपी में 12 प्राइवेट कॉलेज है, यानी 12 प्राइवेट कॉलेजेस है और 3 गवर्नमेंट कॉलेज है यूपी के अंदर। और जो भी फेमस कॉलेजेस है जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो बाकी दूसरे कॉलेजेस है वो सब भी यूपी से ही आते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेज है। तो ये सब लिस्ट थी हमारी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की ऑल ओवर इंडिया में। अब चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि महाराष्ट्र में 3 गवर्नमेंट कॉलेज है और 4 प्राइवेट कॉलेजेस है। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं कि बीएमएस की कॉलेजेस महाराष्ट्र में कितनी है, कहाँ है और किधर किधर है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें से एक है अंजुमन इस्लाम डॉक्टर MIJ मुंबई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अंजुमन इस्लाम मेडिकल कॉलेज यानी मुंबई का कॉलेज है ये। उसके बाद में है मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज एंड नसायर हॉस्पिटल जिससे मैं आता हूं, ये है, ये मेरा कॉलेज है। इसके अंदर ये नासिक में है यानी मालेगांव में भी हो सकता है, मालेगांव में है। और उसके बाद में आता है ZVM यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये है पुणे में। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि महाराष्ट्र में 3 कॉलेजेस है, पहली है अंजुमन इस्लाम ये मुंबई में है, दूसरी है मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज एंड नसायर हॉस्पिटल ये है नासिक मालेगांव में। उसके बाद में है ZVM जो कि है ZVM यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये है पुणे के अंदर आजम कैंपस में। उसके बाद में बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस महाराष्ट्र के अंदर 4 आती है, जिसमें से है अहमद गरीब नान दरबार में, उसके बाद में है इकरा जो कि जलगांव में है, उसके बाद में यूनुस फजलानी औरंगाबाद में, उसके बाद में है अल अमीन नासिक मालेगांव में। तो देखिए मालेगांव ही खुद ऐसा शहर बन जाता है जिसके अंदर 2 बड़े और अहम यूनानी कॉलेजेस है, जिसमें से एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है। फिर आती है औरंगाबाद की बात, औरंगाबाद में है यूनुस फजलानी मेडिकल कॉलेज, फिर उसके बाद में है इकरा जलगांव मेडिकल कॉलेज। मैं जलगांव से हूं और मैंने इकरा कॉलेज भी लगभग देखा है और ये सब कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं और आप अगर चाहे तो इनको भी अपना इन कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब आपके जो सबसे ज्यादा सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि इन कॉलेजेस का क्या क्या कट ऑफ है और क्या क्या होने वाला है, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है जैसे मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज, ZVM और AMU मुंबई की कॉलेजेस, इनके कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू ये मैंने पता किया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू जो पोर्टल हमें मिला है और जो भी रिसर्च के बाद मुझे मिला है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसकी PDF आपको मैं सेंड कर दूंगा और आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके जरिए ये पिछले साल का कट ऑफ है, इसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए और कितनी रैंक पर आपका एडमिशन इन कॉलेजेस में हो सकता है। तो आयुष एडमिशन सेंटर काउंसलिंग कमिटी AA CCC के थ्रू जो पोर्टल, जो PDF हमें अपने जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो मुख्तलिफ किस्म की 3 कॉलेजेस है जो महाराष्ट्र में है, और दूसरी कॉलेजेस की PDF भी आपको मैं उसमें बता दूंगा क्योंकि मैं अभी इस वीडियो में महाराष्ट्र पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो महाराष्ट्र के अंदर जो मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज है उसके अंदर जो क्लोजिंग रैंक थी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आने वाले बच्चों की जो क्लोजिंग रैंक थी मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज यानी मेरे कॉलेज में, वो थी 280,000 के करीब। और अगर एक्यूरेट नंबर देखा जाए तो वो थी 284,452
284,452, यह है एमटीसी की क्लोजिंग रैंक। उसके बाद में करते हैं जेडवीएम जो कि पुणे में है, इसकी बात करते हैं तो इसमें है 238,602 यानी 238,602, यह है जेडवीएम की क्लोजिंग रैंक। अब उसके बाद बात करते हैं एएमयू मुंबई की, यानी जो मुंबई की है उसकी क्लोजिंग रैंक क्या है, उसकी भी है 288,761, 288,761 रैंक के ऊपर इनका जो कॉलेज वो क्लोज हुआ है ऑल इंडिया कोटा से। और अभी इसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो 288,761। तो ये सब थी इसकी बारे में जानकारी और ये सब कॉलेजेस है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि महाराष्ट्र में अपने हिंदुस्तान में यानी इंडिया के अंदर कितनी कॉलेजेस है, और साथ ही साथ इसके अंदर मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में कितनी कॉलेजेस हैं, कितनी गवर्नमेंट है, कितनी प्राइवेट्स है, और उसके बाद आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू जो हमें जानकारी दी गई है क्लोजिंग रैंक के ऊपर, क्योंकि इसमें प्राइवेट कॉलेजेस की जो रैंक है वो इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में जो एडमिशन होते हैं वो डोनेशन पर भी होते हैं और कुछ जगह पर कम रैंक में भी बच्चे चले जाते हैं, तो उसकी जानकारी हमें इस पोर्टल में नहीं दी गई है। जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में गवर्नमेंट एडेड है या गवर्नमेंट है उन्हीं की जानकारी हमें दी गई है। तो इसीलिए मैं भी रिसर्च उस पर शुरू है और उस पर भी अभी काम शुरू है कि कौन सी प्राइवेट कॉलेजेस है और उनका क्या क्या कट ऑफ आने वाला है, उसकी भी वीडियो में जल्द बनाने वाला हूं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप मेरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसका नाम मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज एंड असार हॉस्पिटल है, तो पिछले साल भी मैंने इस पर वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे भी आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कितनी मार्क्स चाहिए और कितनी रैंक आपको चाहिए बीएमएस कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। फीस के रिगार्डिंग भी मुझसे कुछ सारे क्वेश्चंस हो रहे थे, तो फीस भी आपको बीएमएस कॉलेजेस की अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो, क्योंकि अब आपका कोर्स जो है 1.5 साल का हो चुका है, इसीलिए मतलब फर्स्ट ईयर आपका 1.5 साल का, सेकंड ईयर 1.5 साल का और फाइनल ईयर भी 1.5 साल का, मतलब 3 आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम देने हैं जिसके बाद आप इंटर्नशिप में पहुंच जाएंगे। तो उसी के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए और फीस स्ट्रक्चर अगर आप जानना चाहते हैं मेरी कॉलेज का, तो वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरी गवर्नमेंट कॉलेजेस है जैसे जेडवीएम और एएमयू मुंबई और मोहम्मद तिब्बिया कॉलेज और दूसरी कॉलेज, अगर कॉलेज गवर्नमेंट है तो उसकी जो फीस है वो आपको 50,000 से लेकर 1 लाख के 1 लाख पर एनम के अंदर आपको फीस होंगी, ना इससे ज्यादा होंगी और ना ही इससे ज्यादा कम होंगी, या फिर क्योंकि अब आपका जो कोर्स है वो 1.5 साल का हो गया है इसीलिए 1.5 साल की फीस आपको लगभग 1.5 लाख तक भी जा सकती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो इसी के रिगार्डिंग अगर आपको फीस स्ट्रक्चर दिया जाता है जब आप आयुष काउंसलिंग करते हैं सभी कॉलेजेस का, तो उसकी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है @saqibkhan46 जो कि आपको वीडियो में सामने शो हो रही होंगी वो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट, मैं कब से देख रहा हूँ कि वीडियोस पर व्यूज तो बहुत आते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर दो यार, आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आज ये चश्मा पहना है कैसा लग रहा है, उमूमन मैं चश्मा नहीं पहनता हूँ लेकिन ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए मैं चश्मा पहन रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में इन्फॉर्मेटिव, और आप मेरे ब्लॉग भी देख सकते हैं और हम कितनी मस्ती करते हैं कॉलेज में और बाकी सब, तो उसके लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करो फॉलो करो, और मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।